गाइस वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं इस हॉस्टल का रूम टूर। मतलब हम लोग अपना रूम तो आप लोग को बहुत पहले दिखा चुके हैं, दो तीन बारी दिखा चुके हैं, बस हाँ नीचे वाला रूम ना आप लोग को नहीं दिखाया कभी। तो प्राची जो है ना मेरी फ्रेंड, अगर आप लोग प्राची को नहीं जानते हो तो ब्लॉग में हमेशा आती है, आप देख लेना। उनकी एक फ्रेंड है जिसका रूम है, वो किचन का ना एक रूम बना दिया गया। तो चलिए दिखाते हैं, पूरा रूम टूर करवाते हैं। स्टूडेंट का स्ट्रगल क्या होता है, कैसे सब कुछ एडजस्ट करके रखते हैं, सामान सारा अरेंजमेंट करके सब कुछ अभी आपको दिखाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग अपना रूम का टूर तो दे चुके हैं बहुत पहले, बहुत बार, तीन चार वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और ये जो रूम है ना, ये है इसी हॉस्टल के नीचे वाला रूम है, ठीक है। और ये ना एक किचन है, किचन को रूम बना दिया गया है, आप देख सकते हो। जैसा कि आपको स्लैब वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते, एक विंडो है और उसके नीचे सामान वगैरह सब कुछ रखी हुई है बहुत अच्छे से अरेंज करके, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे खाना वाना सब कुछ बनाती है और यहाँ पे बर्तन धोती है। और यहाँ पे ऊपर में जैसा नॉर्मली रैक रहता है किचन का, सेम सामान वगैरह सब कुछ रखने के लिए। तो ये तो घर है नहीं कि आटा और आपको हल्दी का डब्बा मिलेगा, तो यहाँ पे बैग वैग सब रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ऊपर में कपड़ा वगैरह सब कुछ रखी हुई है। और इधर आपको बोर्ड मिल जाता है ताकि आप अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ चार्ज कर सकते हो यहाँ पे रख के। और वहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा, हाँ, और ये किचन है क्योंकि यहाँ पे वो सब लगाने वाला क्या होता है प्राची, हाँ मिक्सर वगैरह सब कुछ लगाने वाला। और यहाँ पे बुक्स वगैरह रखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ फार्मूला और जो भी याद वाद करने वाला होता है वो, और मैं थोड़ा सा हकलाती हूँ तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे पेन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। ओवरऑल किचन ही है ये, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है ये यहाँ का बेड, आप देख सकते हो जो कि इधर रखा हुआ है। छोटा सा रूम है, इसका रेंट कितना है प्राची? 3500 रुपये रेंट है भाई, समझ रहे हो, महंगा नहीं दी। मैं बहुत सारे हॉस्टल ऐसे घूमते रहती हूँ रिव्यू करने के लिए, अगर आप लोग को नहीं पता है ना तो रचना क्वीन वाले चैनल पे जाके आप विजिट करना, वहाँ पे आपको ऐसे लाइक बहुत सारे हॉस्टल के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैं बनाती हूँ पटना में घूम घूम के। सो हर जगह का यही सीन है कि आपको रूम तो मिलेगा ही, बट वो लोग ना किचन को भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं, किचन को भी सिंगल रूम बना देते हैं, 5-6 रुपया तो आराम से आ ही जाता है सिर्फ किचन से, समझ रहे हो। और वही हाल इसका भी है, क्या 5-6 हज़ार रुपये मैं बोल रही हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक तार टांगा हुआ है जिसमें कि आप कपड़ा वगैरह लाइक कुछ छोटा छोटा सा कपड़ा इस पर टांग सकते हो। एंड यहाँ पे स्टडी टेबल रखी हुई है क्योंकि अभी वो पढ़ रही थी, जिसके रूम में हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सो यही था ओवर रूम जो कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है रूम। रूम क्या है, मतलब किचन है, बढ़िया लगा मुझे। हाँ विंडो एक ही है, इसे आता है लाइट? लाइट नहीं आता है, हवा आता है। और ये जो आप विंडो देख रहे हो ना, इससे लाइट वगैरह तो आती नहीं क्योंकि सामने में घर है ना, तो सिर्फ हवा थोड़ा बहुत आ जाता है कभी कभी वो भी। तो जैसा कि आपने देखा वही था रूम ओवरऑल, एंड ऊपर वाला तो मैंने आपको दिखा ही दिया वाला सारा अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि ऊपर में जो भी ग्राउंड फ्लोर पे लाइक रूम रहता है वो उतना अच्छा तो नहीं ही रहता है, ये हो जाता है। एंड चलिए, हाँ तो चलिए यही थी मेरी आज की वीडियो।